इंदौर में भी है माँ वैष्णो देवी का मंदिर। माता के हर संतान का मैं मेरे चैनल पर स्वागत करता हूँ। इंदौर के लालबाग के पास गुरु नानक कॉलोनी में स्थित है माँ वैष्णो देवी का मंदिर। 2008 में मात्र 6 माह की अवधि में तैयार हुआ है ये मंदिर। न कोई इंजीनियर, न कोई डिजाइनर, न कोई दानदाता, माता की कल्पना से ये सुंदर मंदिर बना है। ये माँ का आशीर्वाद है। इस मंदिर की परिकल्पना माता रानी ने की थी। 3 साल में बनकर तैयार होने की योजना थी और माँ की कृपा से ये मंदिर सिर्फ 6 महीने की अवधि में बनकर तैयार हुआ। भक्त की इच्छा माँ अपना मंदिर बना के पूर्ण करती है। ऐसी ही एक इच्छा की थी सुरेंद्र कौर ग्रोवर ने और माँ ने उनकी इच्छा पूर्ण की इस मंदिर को बनवा के। ये मंदिर बिल्कुल जम्मू में स्थित वैष्णो मंदिर की तरह ही हूबहू बनाया गया है। यहाँ आपको गोबा के रास्ते से होते हुए गर्भगृह में जाना होता है। गोबा के रास्ते 1-2 जगह नदी तथा झरने भी आपको दिखाई देते हैं और उन्हें बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। मंदिर तक जाने के लिए गुफा पार करते वक्त आप किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। मैं मनवीर सिंह ग्रोवर, मुख्य ट्रस्टी माँ वैष्णो देवी मंदिर। ये मंदिर का मतलब मेन उद्देश्य यह था, मेरी धर्मपत्नी को वैष्णो माता का इष्ट था, तो इस मंदिर को बने 13 साल हो गए और ये बिना इंजीनियर बिना आर्किटेक्ट के बना है। इसमें इंजीनियर आर्किटेक्ट माताजी बुद्धि देती गई, वैसा निर्माण कार्य होता चला गया। ये मेरी धर्मपत्नी सुरेंद्र कौर ग्रोवर द्वारा बनाया गया है। मंदिर को बने 13 साल हो गए और यहाँ जो भी भगत आता है, जो वैष्णो देवी कटरा से लाई गई ज्योत के देख के जो भी इच्छा शक्ति है, जो मांगता है उसको इस दरबार से मिलता है। Thank you.
मैं दो तीन बार आ चुका हूँ, मुझे काफी आनंद आया यहाँ पे, काफी अच्छा लगा यहाँ पे आकर। बिल्कुल, मेरी मुराद पूरी हुई है, मैं 26 साल की हो गई हूँ, मेरी शादी भी हो नहीं रही थी, मेरी मम्मी ने अर्जी लगाई तो फिर जब जाके मेरी शादी हुई यहाँ पे। मेरी तो मुराद मम्मी की पूरी हुई है और मेरी भी पूरी करेंगी माता रानी। यहाँ जो भी भगत आते हैं ज्योत को देख के, जो भी मनोकामना करते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी हो रही है, मनोकामना पूरी होती है तो अपनी इच्छा शक्ति से जो भी माता के प्रति उनका है वो करके जाते हैं। आप कितने साल से आ रहे हैं? हम पिछले 11 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। जब बना था हम तब नायडू के यहाँ गरबे होते थे, तो गरबे देख के हम पहली बार इधर आए थे, तब से लेकर हम अभी तक लगातार आ रहे हैं और काफी अच्छा लगता है माता के दरबार में। सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती है। जब हम माता के सामने होते हैं तो वैष्णो धाम मंदिर के गर्भगृह में बिल्कुल जम्मू के वैष्णो देवी की तरह माता जी की तीन पाषाण पंडियों के दर्शन होते हैं। माँ इन पिंडियों में विराजित हैं। माता महासरस्वती, माता महालक्ष्मी, माता महाकाली, इन्हीं तीनों रूपों को माँ वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है। माँ वैष्णो धाम के इस मंदिर में एक खास बात है, माता जी के पंडियों के दोनों तरफ एक एक ज्योति जलती है। ये ज्योत जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर से लाई गई है। ऐसी मान्यता है कि इन ज्योतों को देखकर भक्त जो भी मांगता है माँ उन्हें वो सब कुछ प्रदान करती है। जय माता दी। ये सामने दोनों साइड अखंड ज्योत है, ये माँ वैष्णो देवी दरबार कटरा से लेके आए। इन दोनों ज्योतों को देखकर जो भी मनोकामना करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है।
यह माँ का पिंडी रूप है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। पीछे इनके स्वरूप है, इन तीनों देवियों का एक रूप होता है माँ वैष्णो देवी। इनका नाम है ममता मई श्री सुरेंद्र कौर ग्रोवर। इन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था, मंदिर को बने हुए 13 साल हो गए। तो आपको अपन नवरात्रि में नवरात्रि विशेष मानी जाती है, और 9 दिन तक कन्या पूजन, खिचड़ी प्रसाद का वितरण और भंडारे का आयोजन, जागरण चलते रहते हैं। यहाँ पर दर्शन करने वालों की मनोकामना सारी पूरी होती है। सामने दोनों साइड ज्योतों को देखकर जो भी कोई मनोकामना करता है मनोकामना पूर्ण होती है उसकी। और इस मंदिर में देश विदेश से लोग आते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आप भी आइए इस मंदिर में दर्शन कर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माँ वैष्णो देवी की।